गौतम बुद्ध नगर की दादरी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दीपक भाटी चोटीवाला ने आज नामांकन किया। जैसे ही वो पहुंचे तो सपा प्रत्याशी राजकुमार भाटी भी मिल गए, तो उनसे उन्होंने आशीर्वाद लिया। क्या आपके मुद्दे रहने वाले हैं विधानसभा? देखिए, मुद्दे तो अनगिनत हैं। इस सरकार ने जिस तरीके से जीना दुश्वार किया है प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति का, तो हर एक मुद्दे को एड्रेस करने की आवश्यकता है। लेकिन जो दादरी विधानसभा को लेकर के मैंने सोचा है और जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, वो तीन बातें प्रमुख हैं जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। सबसे प्रमुख समस्या है बेरोजगारी। जब मैं गांव में प्रत्याशी के तौर पर जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तो 5,000-6,000 रुपये की नौकरी की अपेक्षा नौजवान मुझसे कर रहे हैं। उनको लगता है कि मैं करा सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। सरकार बनेगी, ताकत मिलेगी, तो जितना भी यहाँ उद्योग है उनसे बात करके, जो लोग यहाँ से भाग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, उद्योग यहाँ बंद हो रहे हैं, तो उनसे बात करके एक नीति बनाएंगे और नीति बना करके ये जो दंश है बेरोजगारी का, इससे निजात स्थानीय लोगों को हम दिलवाएंगे। दूसरी बात, किसानों, हर 6 गांव के बाद एक धरना कहीं ना कहीं चलता होता है। आज भी NTPC का आपने देखा कितना बड़ा, नोएडा में आपने देखा, हमारे यहाँ तमाम आंदोलन, हमने खुद बहुत आंदोलन यहाँ किए हैं। किसानों की समस्याएं बहुजन समाज पार्टी की सरकार में शुरू हुई, समाजवादी पार्टी की सरकार में जारी रही, और निरंकुशता की हद है इस सरकार में कि किसानों की सुनवाई तीनों प्राधिकरणों में नहीं। 10% की बात है, हमें पहले पखवाड़े में ही सुनिश्चित करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद कि 10% जो आबादी का विकसित भूखंड है वो यहाँ के लोगों को प्राधिकरणों के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। और जो ये लीज बैक की बात करते हैं, जो आज तक हुई भी नहीं, थोड़ा बहुत करते हैं फिर उनको रोक देते हैं, तो लीज बैक शब्द को ख़त्म करके हम फ्री होल्ड की बात करें। हमारी ज़मीन है, मालिकाना हमारा है, लीज बैक का कोई मतलब नहीं है। हमारी ज़मीन है, हमें वापस की जा रही है, तो हमारी ज़मीन फ्री होल्ड के माध्यम से हमें वापस मिलेगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी के MLA विधायक यहाँ तीनों विधानसभा में बनेंगे, और हमारी नीति और नियत स्पष्ट है, स्पष्टता के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। और तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बिल्डर और बायर के बीच का जो ये जो डिफरेंस है। बिल्डरों ने यहाँ जिस तरीके से लूटमार मचाई है प्राधिकरण के अधिकारियों की शह से, तो उससे हम लोगों को, जो आम लोग हैं, जो फ्लैटों में रह रहे हैं, जो बायर हैं, जिनको बहुतों को मकान आज तक भी नहीं मिले हैं, मिले हैं तो प्लास्टर झड़ जाता है, कभी पंखा गिर जाता है, रजिस्ट्री नहीं होती है, बिजली के मीटर तक उनको नहीं लगे हैं, इन सब को हम लोगों को एड्रेस करना पड़ेगा। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस पार्टी की विजय होगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और हम अक्षरतः जो कहेंगे वो करेंगे।